नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। श्रावण मास में करोड़ों कांवड़िया हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालय की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और अपनी यात्रा पूरी करने के पश्चात अपने अपने क्षेत्रों के शिवालय में पहुँचे भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करते हैं। मुजफ्फरनगर जनपद में भी शुक्रवार की शाम से ही त्रयोदशी का जल चढ़ना आरम्भ हो गया और चतुर्दशी का जल आज सुबह 9:45 बजे से शुरू हुआ था। इसके चलते शिव भक्तों की जल चढ़ाने के लिए लंबी लंबी कतारें शिव मंदिरों पर लगी रही। वहीं मुजफ्फरनगर की हृदयस्थली शिव चौक पर चारों ओर भोले के जयकारे सुनाई देते रहे। इस बार भोलों की संख्या पिछली बार की अपेक्षा कहीं ज्यादा है और मंदिरों के चारों ओर दो दो लाइन लगाकर भक्तों को शिव शंकर के दर्शन कराए जा रहे थे। वहीं शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए कड़े बंदोबस्त किए गए। शिव चौक पर सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया था, जहां पुलिस के साथ साथ RRF की टीम भी लगाई गई थी। मान्यता है कि शिव चौक के मंदिर में जो भी सच्चे मन से यहां बाबा से मन्नत मांगता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। आपका नाम? मेरा नाम विनीता त्यागी है और हम आज ही हरिद्वार से जल लेकर आए हैं भोले पर चढ़ाने। आज के दिन भोले की बारात निकल। कहाँ के रहने वाले हो? हम मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। बहुत अच्छा मजा आ रहा है, ऊपर वाला भी बहुत बढ़िया बरसात कर रहा है, बहुत ही अच्छा मजा आ रहा है। सर शिव की मूर्ति पे मुझे बने से है, यहीं से रामपुरी से। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।